कोरोना वायरस से इकॉनमी को बचाने के लिए पहले सरकार और फिर आरबीआई ने बूस्टर डोज का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर आरबीआई खुद अनुमान लगाने में नाकाम है। वो इसके लिए अभी और इंतजार करना चाहती है और गिरावट आने की बात मान रही है। The outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. We have to recognize that the government has taken timely and appropriate measures to contain these three factors. आरबीआई भले ही अनुमान लगाने से बच रही हो, लेकिन तमाम रेटिंग एजेंसियां कोरोना के कारण वैश्विक विकास दर घटने की तरफ इशारा कर रही है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण 2020-21 में विकास दर तेजी से घटकर 2.6% पर आ सकती है। 2019-20 में जीडीपी विकास दर भी 5% से घटकर 4.5% रह सकती है। इस कारण चालू कारोबारी साल की चौथी तिमाही में जीडीपी विकास दर 2.5% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ताजा अनुमान मूडीज का आया है। मूडीज ने कैलेंडर साल 2020 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान पहले के 5.3% से घटाकर 2.5% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक कैलेंडर साल 2019 में विकास दर 5% रही थी। आरबीआई गवर्नर ने भी दूसरी छमाही में विकास दर पर बड़ा असर पड़ने की बात कही है। इंप्लाइड जीडीपी ग्रोथ ऑफ 4.7% इन Q4 ऑफ 1920 इन द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस व्हिच वाज रिलीज्ड इन फरवरी 2020 विद इन द एनुअल एस्टिमेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एज ए होल इज नाउ एट रिस्क। एज रिगार्ड्स द आउटलुक फॉर 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. Corona ke chalte har sector ko bhari nuksan uthana pad sakta hai. Sabse zyada nuksan krishi, paryatan, hotel aur shiksha ko ho sakta hai. RBI ne aage chalkar corona se hone wale nuksan ke aakalan ko dekhne ke baad hi अनुमान लगाने का फैसला किया है।